तो आज है महाशिवरात्रि, तो आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने दूध का चढ़ावा भी दे चुका हूँ और खाना वाना भी हो चुका है। खाने में आज मैंने खाई है, पहले दूध के चढ़ावा के बाद पहले मैं थोड़ा 4 ब्रेड खाई दूध के साथ। दूध मतलब हॉर्लिक्स, हाँ हॉर्लिक्स। और अब उसके बाद मम्मी ने रोटी पका के दी, तो रोटी और दाल थी, फिर था पनीर का तरकारी और मटर की कुछ सब्जी थे, पता नहीं उसे क्या कहते हैं, बस मटर ही थे। तो फिलहाल खाना वाना हो चुका है, मैं थोड़ा अभी छत पे बैठा हुआ हूँ और ऐसे काफ़ी दिन हो गए छत पे बैठा नहीं, और अभी निकलना है। एक्चुअली आज मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मुझे कहा था कि भुवन पहाड़ जाने के लिए, ये है बेसिकली जो श्रद्धालु हैं वो एक पहाड़ है उसकी चढ़ाई करते हैं। वो ज़्यादातर शिवरात्रि के वक्त ही लोग भीड़ जमा होते हैं और पूरा ऊपर एक शिव जी की मंदिर होती है, वहाँ पे लोग जाके फूल वूल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। तो वहीं पे मुझे जाने के लिए कहा था, लेकिन मेरी तबीयत ठीक है, बस मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसीलिए मैं गया नहीं। वैसे मैंने जो बहन है मामा की लड़की, उसने भी कहा था कि जाने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। आज तक कभी गया नहीं, जाने का मन तो होता है लेकिन जब कभी भी वो मौका आता है कुछ ना कुछ हो जाता है और प्लान कैंसिल हो जाता है। तो इस बार वैसे ही था, वो लोग तो चले गए और मेरे जो दोस्त थे उन्होंने भी कहा कि चलो चलते हैं, तो जा तो नहीं पाए, लेकिन अगले साल अगर कुछ प्लान बनता है तो ज़रूर जाएंगे। तो फिलहाल मैं आया हूँ दोस्त के घर और काफ़ी देर से हूँ यहाँ पे, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो गए। तो कुछ एक्चुअली आज तो शिवरात्रि है, तो इसलिए मंदिर गया है, तो फिलहाल उसका इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। और काफ़ी दूर है, आते आते उसको और भी घंटे डेढ़ घंटे लग जाएंगे। तो बैठा हुआ था तो सोच रहा था चलो छत पे चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। एक्चुअली मेरा जो दोस्त है इनकी जो मम्मी है वो फूल पौधे या फिर सब्ज़ी वगैरह वो लोग ज़्यादातर घर में ही वो लोग उपजाऊ करते हैं, और अच्छी चीज़ है क्योंकि जितने हम ऑर्गेनिक होंगे उतना सेहत के लिए भी अच्छा है। देखो भाई, शहरों में यही प्रॉब्लम है कि हम लोग ऑर्गेनिक खाना मिलता नहीं है क्योंकि जगह कम है, ज़मीनें महंगी होती है, तो हम सस्ते रेटों पे हम ज़मीन नहीं ले पाते, तो उस वजह से ना चाहते हुए भी हमें ये बाहर की सब्ज़ियाँ खानी पड़ती है। अब ऑप्शन तो है नहीं, कुछ लोग करते हैं जैसे कि घर में छतों पे बेसिकली वो जो कुछ एक बॉक्स जैसा होता है, सफ़ेद बॉक्स, वो जो पॉन्ड्स से बनी हुई होती है, उसमें मिट्टी विट्टी डाल के या फिर जैसे वो सब्ज़ी जैसे उपजाऊ होती है उस हिसाब से उसे बनाई जाती है, तो अच्छी चीज़ है। हमारे घर में है लेकिन मिर्ची के लिए लगाई गई है, और एक थी पता नहीं कौन सी सब्ज़ी थी, लेकिन वो फ़िलहाल वो भी ख़राब हो चुकी है। तो
जगह कम है, अगर छत है तो छत पे सब्जियां वगैरह जितनी हो सके लगाई। ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारी सब्जियां हैं यहाँ पे। तो काफ़ी टाइम रुकने के बाद मैं जा रहा हूँ घर। एक्चुअली मेरा दोस्त अभी तक आया नहीं, उसने मैंने उसको फ़ोन लगाया था तो उसने कहा कि उसको और थोड़ा लेट होगा। एक्चुअली मैं उधर देख रहा था, मुझे लगा कि शायद मेरा दोस्त है उधर खड़ा हुआ। तो बहरहाल अभी जा रहा हूँ घर, ऑटो पकड़ेंगे। Thank you.